प्रोसेस वोटिंग कहां तक वापसी करने में सफल हो पाते हैं। अमर मैं छत्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा एक मिनट के लिए चालू कर दीजिए। एक मिनट के लिए चालू कर दीजिए। पर मैच से किक ऑफ होता हुआ एक तरफ यहां पर पूरब की ओर दिशा में यहां पर नजर आता हुआ आकाश स्वॉटिंग और ऊपर निचले छोर की अगर हम बात करें यह है नेपाल एफसी। दोनों ही टीमों में एक से एक यहां पर सशक्त खिलाड़ी नजर आता हुआ एक तरफ बात करें तो यहां पर आकाश स्वॉटिंग की बात करें रोहित महतो जो कि जर्सी नंबर 32 यहां पर नजर आता हुआ जर्सी नंबर 24 कृष्णा सोय जैसे खिलाड़ी यहां पर आज मौजूद जर्सी नंबर 7 प्रकाश गगराई जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है। हालांकि आज जर्सी नंबर 8 विशाल गोप जर्सी नंबर 7 मौसाय जर्सी नंबर 29 सूरज मधुया जर्सी नंबर 10 कृष्णा समर जर्सी नंबर 9 रामप्रसाद सामंत और जर्सी नंबर 20 साधव सामंत क्या कमाल के यहां पर कॉम्बिनेशन के साथ आज आकाश स्वॉटिंग अपने टीम में यहां पर उतारा है। आरोही अगर हम बात करें नेपाल एफसी ये भी एक बेहतरीन टीम है अनित टुडू जैसे गोलकीपर यहां पर नजर आता हुआ आज टूर्नामेंट में जर्सी नंबर 4 पर यहां पर नजर आता सागर टुडू जर्सी नंबर 12 लखिंदर माड़ी जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है जर्सी नंबर 5 अंतु टुडू काफी कदवार लंबे यहां पर डिफेंडर है मौजूद अंतु टुडू की बात करें जर्सी नंबर 9 कान सजदा जर्सी नंबर 6 श्रीचंद हेमराम जर्सी नंबर 7 आज नजर आता हुआ शिवा टुडू और जर्सी नंबर 11 हसराज माडी और जर्सी नंबर 8 प्रसाद हेमराम ये भी कमाल का कॉम्बिनेशन के साथ आज नेपाल एफसी अपनी टीम के लिए मैदान पर उतारा है। और देखने में बात होगी कि दोनों टीमों में एक एक सशक्त खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और देखते हैं गोल के दरमियान में मैच के दरमियान में गोल कौन से टीम कौन से खिलाड़ी आज सक्षम हो पाते हैं देखने की बात होगी। और यहां पर तालमेल के साथ और यहाँ पर त्रुटि के संकेत यहाँ पर आप मैच रेफरी को चिकमनी दे पाएंगे क्योंकि सर जमशेदपुर स्पोर्ट एसोसिएशन के मेन मैच रेफरी ऑफिशियल मैच रेफरी है और ये यहाँ पर पहला ये पर फ्रीकी के सेल्फिट का मौका यहाँ पर जरूर मिला है। और यहाँ पर प्रकाश गगराई जो कि बेहतरीन
भाजपा। तो चलिए इस खेल के बाद खिलाड़ी रेडी में रहेंगे। राजनगर एफसी बनाम एनबीसी बालाडी। इस खेल के बाद मैच नंबर आज 7 राजनगर एफसी बनाम एनबीसी बालाडी। उन दोनों टीमों के टीम कप्तान से भी निवेदन है कि आप भी पूरी तरह से रेडी पोजीशन पर रहेंगे, क्योंकि यह मैच जैसे ही समाप्त हो जाएगी आप अपने खिलाड़ी को मैदान पर प्रवेश करा देंगे। आज का मैच नंबर 7 राजनगर एफसी बनाम एनबीसी बालाडी। तो चलिए अभी तक मैच की बात करें, शुरुआती क्षण पर दोनों ही टीम अच्छा होने के लिए एक बेहतरीन मैच यहां पर खेलता हुआ, और यहां पर प्रकाश गगराई लॉन्ग डिस्टेंस से फ्री किक का यहां पर मौका, और देखते हैं कि इस मौके को कहां तक बुलाने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। और एक अच्छा क्रॉस सीधे गोल की पोस्ट, हालांकि यहां पर अंतु लंबे कट के एक अच्छे डिफेंडर है, और यहां पर गोल किक के पास से यहां पर नजर आया है। अभी भी नेपाल एफसी हिमित मुकदमा के साथ एक अच्छा, हालांकि यहां पर ब्लॉक यहां पर होता हुआ प्रकाश के यहां पर एक अच्छा क्लियरेंस कृष्णा के लिए यहां पर खेला है। हालांकि यहां पर कृष्णा पर हेडबॉल का यहां पर इशारा, थ्रोड़े के संकेत, ऑफिशियल मैच रेफरी की बात करें विकेट व्यवस्था, जो कि यह भी इंद्रवीण जामशेदपुर क्षेत्र के एक जामशेदपुर एथॉर्ड एसोसिएशन के एक बेहतरीन मैच रेफरी के तौर पर जाना जाता है, मिस्टर विक्रम हांसदा, जो कि मैच नंबर 6 के यहां पर ऑफिशियल मैच रेफरी है। और यहां पर एक अच्छी क्रॉस प्रकाश का, हालांकि यहां पर अंतु लंबे कट के यहां पर डिफेंडर मौजूद है। इस प्रकार की हमें छोटे छोटे तालमेल के साथ यहां पर कृष्णा को खेला है, हालांकि ब्लॉक होता हुआ, और जादव के लिए मौका हो सकता है, लेकिन यहां पर प्रकाश का यहां पर रिफ्लेक्ट शॉट, इन शॉट यहां पर देख रहे हैं कितना फुटबॉल दे देंगे। आपे कब्जार पे धोलमा अंतु के पास, अंतु अपने साथी को यहाँ पर अच्छा पास यहाँ पर मिलता हुआ, 11 नंबर को, 11 नंबर खिलाड़ी बॉल को हेल होल्ड करता हुआ, लेकिन यहाँ पर बॉल को छीना गया और पुनः जो है आकाश के स्पायर बिल्कुल। और यहाँ पर ब्रेक पास करता हुआ यहाँ पर नेपाल एफसी अपने साथी के लिए छोटी छोटी तालमेल यहाँ पर दोनों ही टीम खेल रहे हैं। अंतु बालाडी और राजनगर एफसी के टीम कप्तान, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने खिलाड़ी को, और यहां पर छीना झपटी नेपाल एफसी मौका हो सकता है, और त्रुटि के संकेत। तो चलिए यहां पर पूरी तरह से खिलाड़ी अपना गलती मानता हुआ एक ईमानदार का यहां पर डिसिप्लिन खिलाड़ी के यहां पर प्रतीक देता हुआ, तो चलिए यहां पर एक सेल्फी मौका यहां पर जरूर मिला है, मौका मिला है, और देखते हैं यहाँ पर नेपाल एफसी जासिर बसार किस प्रकार अपना इस यूटिलाइज करते हैं फ्री किक का, ये देखने वाली बात होगी। और यहां पर कुहास कटिंग शॉट, लेकिन यहां पर जादव, और जादव यहां पर यस कमाल, यस
देंगे। जर्सी नंबर, जर्सी नंबर दिखा देंगे। हाँ जर्सी नंबर 11। तितली कमाल के यहाँ पर हंसराज माढ़ी का एक बेहतरीन यहाँ पर हेडर के दरमियान गोल यहाँ पर देखने को मिला है पहला हाफ में, और देखते हैं कहां तक वापसी करने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। देखते देखते अपर मैदान तक हुसैन वो भी आप धीमे कदमों के साथ रेडी पोजिशन में रहेंगे। राजनगर एफसी बनाम एनबीसी बालनी, दोनों ही टीमों के कप्तान से निवेदन है कि आप भी अपने खिलाड़ी को रेडी पोजिशन में रखेंगे, एनबीसी बालनी और राजनगर एफसी। और देखते हैं यहां पर आकाश से शॉटिंग कहां तक वापसी करने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी, क्योंकि अभी तक एक बेहतरीन हेडर के दरमियान 0-1 के मुकाबले यहां पर पीछे होता हुआ आकाश है शॉटिंग, और यहां पर गोल की का मौका ज्यादा अपने साथी के लिए यहां पर मायने के कोशिश यहां पर जादव सामन अभी भी मोना भाई के पैर में बॉल और ग्रीन बॉक्स पर बॉल को उछाल दिए थे, वहां पर डिफेंडर के अच्छा डिफेंडिंग कहा जा सकता है और बॉल को लंबी क्लियरेंस टच लाइन के अवसर यहां पर मिलता हुआ। बिग पास अपने साथ के लिए पर खेला है छोटे छोटे तालमेल के साथ, हालांकि पर गलत प्रयास बोल दी साहिल थ्रोइन का पुनः मौका है यहां पर आकाश है शॉटिंग जो कि अभी तक सुने के मुकाबले पीछे होता हुआ। तो चलिए इस खेल के बाद वाले खेल की बात करें, राजनगर बनाम बालेडी एफसी एनबीसी बालेडी। तो चलिए एक टीम यहां पर पहुंच चुका है, तो अपोजिशन टीम की अगर हम कप्तान की बात करें वो भी अपने टीम को लेकर जितनी जल्दी हो सके अब चले आएंगे, क्योंकि एक टीम पहुंच चुका है। विपक्ष टीम के टीम कप्तान टीम मैनेजर से निवेदन है कि आप अपने खिलाड़ी को जितनी जल्दी हो सके आप भी मेडिकल जोन पर, और यहां पर मौका हो सकता है, हालांकि यहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, हेडर यहां पर बर्बाद होता हुआ और अभी भी कांटे का मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीम के बीच। तो चलिए एनबीसी बालेडी यहां पर पहुंच चुका है, तो चलिए राजनगर एफसी के टीम कप्तान और यहां पर प्रकाश, तो चलिए थ्रोइन यहां पर लेके प्रकाश, हालांकि अभी तक सोने के मुकाबले यहां पर पीछे चलता हुआ, और यहां पर एक अच्छी हेडर लेकिन एक अच्छी क्लियरेंस यहां पर डिफेंडिंग, और गलत प्रयास लेकिन यहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, सीधे वर्ल्ड टच लाइन से बाहर, पूरा गोल किक यहां पर मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल, और यहां पर प्रकाश का एक डिफेंडिंग हेडर, और यहां पर जादव को मौका मिला है, हालांकि यहां पर छिड़े जब पहले छोटे छोटे तालमेल के साथ यहां पर खेलना पसंद करेंगे, हालांकि यहां पर विपक्ष के खिलाड़ी मौजूद, अच्छा पद खिलाड़ी के मौजूद और अपने साथी को यहां पर और बॉल गोल की का इशारा करता हुआ यहां पर इंडिकेट करता हुआ मैच रेफरी ऑफिशियल मैच रेफरी की बात करें यहां पर जमशेदपुर स्पॉट एसोसिएशन का ऑफिशियल मैच रेफरी मिस्टर विक्रम हांसदा जो कि आज डीकेएमसी नारायणबेड़ा के फुटबॉल ग्राउंड पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए, हालांकि यहां पर दो दिग्गज टीम के साथ एक टीम सुने के मुकाबले आगे बढ़ता हुआ नेपाल एफसी, और यहां पर जादव के पास बॉल, हालांकि पर जादव अपने साथी को खेला है बाएं फ्लैग से यहां पर छोटे छोटे तालमेल के साथ, और यहां पर प्रकाश के साथ यहां पर खेला है
छोटे छोटे तालमेल के साथ यहाँ पर मौका बनाने की कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर प्रकाश उचेकर के खिलाड़ी यहाँ पर एक अवसर यादव के हो सकता था, लेकिन बॉल को किक करने में काफी समय ले लिया और बॉल जो है टच लाइन के बाहर चली गई। बॉल किक करने का यहाँ पर अवसर हालांकि मिलता हुआ नेपाल एफसी को। नेपाल एफसी के खिलाड़ी बॉल को किक करने की बिल्कुल तैयारी करता हुआ अब एक छोटी सी किक अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा वहां पर सुंदर पास, लेकिन बॉल जो है धीरे धीरे टच लाइन से बाहर। एक टीम यहाँ पर पहुंच चुका है, धन्यवाद देना चाहेंगे। तो राजनगर एफसी की टीम कप्तान, आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने खिलाड़ी को लेकर मेडिकल जोन पर चले आएंगे और यहाँ पर वापसी करने की यहाँ पर महत्वपूर्ण कोशिश यहाँ पर जारी है। आकाश से शॉटिंग, हालांकि सुने के मुकाबले यहाँ पर पीछे होता हुआ यहाँ पर एक सटीक तालमेल बना और यहाँ पर प्रकाश के पास मौका हो सकता है सीधे बॉल पोस्ट पर, हालांकि डिफ्लेक्शन मोमेंट ऑफ द बॉल क्लियरेंस होता हुआ यहाँ पर एक बेहतरीन टारगेट पे टारगेट यहाँ पर, हालांकि प्रकाश का एक जबरदस्त शॉट, लेकिन अभी भी क्या कमाल का यहाँ पर बचाव, लेकिन यहाँ पर प्रकाश को दिखने में गलती करते बैठे यहाँ पर कृष्णा। प्रकाश का एक बेहतरीन यहाँ पर लेट करते काफी एनर्जेटिक शॉट यहाँ पर किया गया था, हालांकि यहाँ पर गोलकीपर ने सब अभी हमले एक बेहतरीन यहाँ पर बचाव अपने टीम के लिए। गोलकीपर नेपाल एफसी अभी भी मौका हो सकता है यहाँ पर प्रकाश के पास बॉल, प्रकाश क्रॉस करने की कोशिश की है, हालांकि यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। गोलकीपर ने आसान से कलेक्शन यहाँ पर अपने टीम के लिए अकर्मन यहाँ पर वापसी करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर ने पूरी तरह से दीवार के माफी में यहाँ ऑपोजिशन के यहाँ पर नंक में दम करके रखा हुआ है और यहाँ पर एक अच्छा क्रॉस, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं। एक जस्ट डंक करने की उम्मीद, हालांकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन मोमेंट नजर आया है और अभी भी समय है दूसरा गोल करने की उम्मीद यहाँ पर क्रॉस किए हैं, हालांकि सीधे गोल पोस्ट पर, हालांकि एक जबरदस्त यहाँ पर बचाव अपने टीम के लिए गोलकीपर। और यहाँ पर साधव अपने साथी के लिए, हालांकि यहाँ पर अनबैलेंस होता हुआ यहाँ पर एकल प्रयास ज्यादा देर तक काम नहीं आया और यह बस 10-6 छोटे छोटे तालमेल के साथ टाइम स्पेंड करता हुआ, लेकिन यहाँ पर रजपति खिलाड़ी कृष्णा यहाँ पर गलत रिसीविंग, अभी भी अगर सटीक तालमेल के साथ यहाँ पर कृष्णा का बॉल मिला है, कृष्णा ने अपने साथ ही प्रकाश को यहाँ पर दिया है जो कि काफी एनर्जेटिक खिलाड़ी प्रकाश एक पर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर काफी यहाँ पर पीछे बोल, लेकिन यहाँ पर फिर से हुई गलती। तो चलिए एक टीम राजनगर एफसी का टीम कप्तान मैच अंतिम मैदान पर पहुंच चुका है फुटबॉल। तो चलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लेने की कोशिश, अरे और यहाँ पर जसरबतीन सब छुटा और यहाँ पर मौका होने को भी, हालांकि यहाँ पर डिफेंडर के एक अच्छा क्लियरेंस फुटबॉल दे देंगे, अभी भी समय है अंतिम मैदान पर, अगर सही सटीक टारगेट यहाँ पर मिलता है तो होना यहाँ पर प्रकाश और यहाँ पर अपने साथी के लिए मौका हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गलती वाला प्रदर्शन दिशाहीन बड़ा शॉट और यहाँ पर कितने के संकेत नहीं है नेपाल एफसी। अच्छा जवान ये कैसा कर रहे हैं, देख बिल दूर दूर उड़ा दे बिल तो तमा का सेटिंग कर देने जा
और देखते ही यहाँ पर मैच समाप्त क्वेश्चन